गाइस तो आप लोग देखते होंगे कि कोई कोई वीडियो अपने आप वायरल में रहता है, मिलियन में भी आ जाते हैं, उसमें कैसे आ जाते हैं ये मालूम नहीं। तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। हे गाइस, आज का टॉपिक है उसको साइड में रखते हैं, पहले ये बात जान लेते हैं कि इस चैनल पे बहुत दिनों से गिवअवे नहीं आया है, तो सोच रहा हूँ गिवअवे ला दूँ। या तो आपको गिवअवे मिलेगा 7 का, Realme 7 का, नहीं तो पोको M2 का, दोनों में से एक का गिवअवे इस चैनल पे मैं लाऊंगा, साथ ही में अनबॉक्सिंग भी लाऊंगा, ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए कि मैं रियल गिवअवे रखता हूँ या नहीं और अनबॉक्सिंग करता हूँ या नहीं। तो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि गिवअवे आप भी जीत सके और इस चैनल पे आपको टारगेट अच्छा खासा वीडियो का मिल जाए। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन के बारे में और थंबनेल के बारे में कि यूट्यूब पे कैसे लगाते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर है तो ये सारा कुछ आपको इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन का क्या काम होता है और थंबनेल का क्या काम होता है, ये सारा कुछ जानेंगे। तो हे गाइस, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल नीतीश, चलिए शुरू करते हैं। गाइस तो आप लोग देखते होंगे कि कोई कोई वीडियो अपने आप वायरल में रहता है, मिलियन में व्यू आ जाते हैं, उसमें कैसे आ जाते हैं ये मालूम नहीं। तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए, आप अच्छे से टैग डाले, टाइटल डाले, डिस्क्रिप्शन डाले, लेकिन व्यू आते ही नहीं। मेरे साथ भी यही होता है, टैग टाइटल डाल देता हूँ लेकिन व्यूज आते नहीं। लेकिन उन लोगों का बात करूँगा जो टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं डालते हैं अच्छे से और थंबनेल भी नहीं बनाते, फिर भी उनका जो व्यू होता है वो मिलियन में चले जाते हैं या के में चले जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं बताता हूँ। हम लोग डालते हैं टैग कि हमारा वीडियो रैंक करे, ठीक है। लेकिन मेरा तो वीडियो मैं डालता हूँ और एक दिन या दो दिन तक नंबर 3 रैंक पे रहता है, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। मालूम नहीं क्यों नहीं मिलता, क्लिक करते हो आप लोग कि नहीं, नोटिफिकेशन जाता है तो प्ले करते हो या नहीं ये मालूम नहीं। तो चलिए उन लोगों का बात करते हैं जिनका टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं रहता फिर भी वायरल हो जाते हैं। तो अधिकतर केस में होता है या तो कोई न्यूज हो, ठीक है, या कुछ सनसनी वाला केस हो, या स्टेटस वीडियो हो, यानी कि छोटा सा क्लिप टाइप का वीडियो हो। हाँ गाइस, उस पे होता क्या है, छोटा होता है, वॉच टाइम उससे पूरा फुल मिलता है। पूरा फुल मिलने से यूट्यूब सोचता है इस वीडियो में जरूर कुछ है। यूट्यूब तो कोई मानव है नहीं, वो तो रोबोट से चलाया जाता है, तो वहाँ से वो सोचता है कि इस वीडियो में तो कुछ है, इसलिए सारा बंदा आके इसको प्ले कर रहा है और पूरा वॉच करके जा रहा है। तो इसी कारण यूट्यूब का एल्गोरिदम है, आपके वीडियो पर अगर वॉच टाइम अधिक हो तो आपका वीडियो रैंक करेगा। अगर क्लिकबेट थंबनेल होगा फिर भी वो वीडियो रैंक करेगा, लेकिन कुछ दिन तक रैंक करेगा। मतलब क्लिकबेट थंबनेल आप लगा दोगे तो आपका लगभग दिन तक, यानी कि 100 या 200, 1K मान लो या 10K, इतना तक जाएगा, आपका रैंक कम जाएगा। क्योंकि YouTube समझ जाएगा ये पूरा वीडियो कोई वॉच करके नहीं जा रहा है और आपका वीडियो वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन वॉच टाइम आपके वीडियो पे आता है तो आप रैंक कर सकते हैं, आपका जो वीडियो है वो वायरल हो सकता है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वॉच टाइम, ना कि टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन। और लगाने से भी फायदा होता है कि हो सकता है आपका वीडियो रैंक, इसीलिए हर यूट्यूबर आप लोगों को बताते हैं कि टैग ऐसे डालो, टैग टाइटल ऐसे डालो, डिस्क्रिप्शन ऐसे डालो, हैशटैग डालो, आपका वीडियो वायरल होगा। लेकिन मैं खुद करके देख चुका हूँ, कुछ नहीं होता, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब तक आप एक बेस नहीं बना लेते अपने चैनल के थ्रू, लोगों के दिल में अपना जगह नहीं बना लेते, तब तक आपका वीडियो एक भी वायरल नहीं होगा। हो सकता है कोई कोई वीडियो में आपका आ जाता हो व्यू, वो क्यों आता है, क्योंकि वो जो होता है टैग के कारण सर्चेबल में आ जाता है, तो आपका कुछ दिन तक उसमें व्यू आ जाएगा। जैसा कि मेरा वीडियो एक वायरल हुआ था, वायरल नहीं लेकिन मेरे लिए तो वायरल नहीं होगा, वही 1500 तक के व्यूज आया है। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, वो एक अनबॉक्सिंग था बोट का, बोट बेसे 242 का पबजी टेस्ट के बारे में, वो रैंक मेरा कर गया था। अगर आप सर्च करते हैं पबजी टेस्ट के बारे में, बोट 242 के बारे में, तो आपको मेरा ही वीडियो रैंक एक नंबर पे मिलेगा। तो यही कुछ एल्गोरिदम है इस यूट्यूब चैनल का, मतलब यूट्यूब का, तो यही समझाना आपको चाहता था। चलिए
ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अगर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन आपको लगाना है तो वीडियो के बारे में लिख दे। ज़्यादा किसी यूट्यूबर के बारे में ना सोचे कि ये मेरे को ऐसा बोला और लगाकर आप खामखा परेशान हो जाते हैं और आपका वीडियो वायरल भी नहीं हो पाता है और आप सोचते हैं मेरे में कोई टैलेंट ही नहीं है। आप अच्छा कॉन्टेंट लाए और अपने वीडियो को अच्छा से अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करें। क्वालिटी पर निर्भर नहीं करता, लेकिन आपका वीडियो का जो टॉपिक होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। कोशिश करता हूँ मैं भी अच्छा टॉपिक लाने का, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक लाए, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी कोई कमी लगा तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।